खूबसूरत एंटीक फर्नीचर ये हमारी डाइनिंग एरिया की शान बढ़ा रहा है। ये देखिए, इसमें जो टाइल्स लगे हुए हैं इस पे कितनी खूबसूरती से टाइल्स लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये हमारा एंटीक फर्नीचर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपने यहाँ की कुछ क्रॉकरी दिखाऊंगी, नवाबी क्रॉकरी। नवाबीन की क्रॉकरी, इसमें सारे ड्राई फ्रूट रखे जाते थे। ये है ड्राई फ्रूट रखने का, इसमें ड्राई फ्रूट रखते हैं। ये है सिल्वर का ड्राई फ्रूट रखने का। कोई भी मेहमान आता है तो इसमें ड्राई फ्रूट रखिए और मेहमानों को ड्राई फ्रूट खिलाइए, सर्व कीजिए। ये सब सिल्वर के बर्तन हैं, चांदी के एंटीक। ये भी हमारा ड्राई फ्रूट रखने का है, इसमें भी मेहमान आते थे तो ड्राई फ्रूट इसमें रख के सर्व करते थे। ये देखिए, इस पर बहुत अच्छी नक्काशी, बहुत अच्छा काम बना हुआ है। ये मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये भी सब चांदी का है। ये भी हमारे सारे पुराने हैं, नवाबीन के ज़माने के हैं सारे ही हमारे। हमारे दादा परदादा के ज़माने के सारे बर्तन हैं ये, अहमद वली ख़ान, सादत वली ख़ान और शाह वली ख़ान उनके वालिद। ये सब बहुत पुराने हमारे बर्तन हैं, में ड्राई फ्रूट रखते थे। ये देखिए, ये इस पे शेर बने हुए हैं। शेर बने हुए हैं, ये शेर में इसको इस तरह से लगाया है कुंडों को, शेर का डिजाइन है ये दोनों साइड में। शेर बने हुए, ये भी ड्राई फ्रूट रखते हैं इसमें भी। ये देखिए, ये हमारे ड्राइंग रूम में घंटा है रखा हुआ ये इस तरह से, खाना खाने के टाइम पर, लंच टाइम में और डिनर टाइम में ये घंटा बजाया जाता था। इसको इस तरह से लगाया हुआ है। देखिए कितने खूबसूरत इस पे टाइल्स हैं लगे हुए। और ये हैं हमारे पुराने ज़माने के सारे कैंडल स्टैंड, इस पे कैंडल डिनर करते थे तब ये कैंडल डिनर करते थे, कैंडल जलाते थे इसमें।
देखिए कितनी खूबसूरत टाइल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, विक्टोरियन फर्नीचर, विक्टोरियन टाइल्स, खूबसूरत। सूप पीने के बाउल ये भी हमारे बहुत पुराने हैं ये सारे, इसमें सूप पिया जाता है। ये देखिए इंग्लैंड के हैं, मेड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए होंगे वहाँ से लेके आए ये। ये भी हमारे दादा परदादा के ही हैं सारे, ये भी देखिए मेड इन इंग्लैंड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेट के हैं ये। कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हमारी ये। आज मैंने सोचा आपको क्रॉकरी दिखाऊं अपनी, मैं सारी क्रॉकरी दिखा रही हूँ। ये देखिए मेड इन इंग्लैंड है सब पे लिखा हुआ। सूप बाउल्स हैं ये देखिए, इसकी मैचिंग की प्लेट्स हैं हमारे पास। ये भी मेड इन इंग्लैंड है, हमारा डिनर सेट। पूरे तो नहीं, सारे बर्तन दिखाना मुनासिब नहीं है, थोड़े ही दिखा सकती हूँ मैं। ये है बिरयानी की डिश, इसमें बिरयानी सर्व करते थे। ये डोंगे कौरमे के, ये कौरमे का डोंगा। ये है रायता रखने का डोंगा, इसमें रायता रखते हैं। ये चीज़ ही बता रही है कि अपने आप में कितने पुराने हैं और कितने नयाब हैं ये सारे बर्तन। देखिए ये है इसकी फुल प्लेट, ये है इसकी क्वार्टर प्लेट्स, गोल्डन ब्राउन। ये हमारा डिनर सेट है। देखिए फुल प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स और रायते का डोंगा।
हैं हमारी सैलेड रखने की प्लेट्स। ये भी सैलेड रखने की प्लेट्स है। नीचे वाली यहाँ जो बर्तन रखे हुए हैं, नीचे वाली क्रॉकरी आपको खोल के दिखा रही हूँ। इस तरह से यहाँ पर ये सब चांदी के डोंगे रखे हुए हैं, ये मैं निकाल के दिखा रही हूँ। ये हमारा चांदी का डिनर सेट है और ये हैं डोंगे। इसमें बिरयानी या कोरमा जो भी निकालें खाना, कबाब इसमें सर्व करते थे। ये देखिए, ये भी बिरयानी का है या कोरमा, कुछ भी निकालिए। इस तरह के हमारे काफ़ी हैं माशाल्लाह से हमारे पास। सारे नहीं दिखा सकती, दो चार ही दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बीच में इसमें ये लगा हुआ है। पता नहीं इसमें सैलेड रखते होंगे या फिर मीठा या फिर रायता, दो तरह का भी रख सकते हैं इसमें। या फिर कबाब रखिए, कुछ भी रखिए, अपने ऊपर है। इस तरह से इसको ढक दीजिए। अब मैं वापस इसको इसी में रखूंगी। बंद कर दिया मैंने। हमारी क्रॉकरी की टेबल है, इसमें सब क्रॉकरी रखते हैं हम, बहुत खूबसूरत। कारीगरी इस पे बनी हुई, काम देखिए लाजवाब। ये है हमारी फ्रूट बास्केट, फ्रूट ट्रे। ये है हमारी क्रॉकरी की टेबल। इसमें हमारी क्रॉकरी कुछ रखी हुई है जो भी मैंने निकाली और आपको दिखाई, और भी कुछ दिखाएंगे क्रॉकरी आपको।